ये रिश्ते क्या कहलाता है में अक्षरा ने अभी की खुशी के खातिर उन बॉयज को फुटबॉल चैलेंज दिया होता है बिना कुछ सोचे समझे कि अगर अभीर इसका हिस्सा नहीं बने तो वो इस फुटबॉल चैलेंज को जीत भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षरा को अपने अभीर पर विश्वास होता है कि वो फुटबॉल देखकर तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब हम देखते नजर आने वाले हैं फैंस कुछ ऐसा जहां पर अभीर ना केवल डिसइंटरेस्टेड शो होंगे इस फुटबॉल मैच के लिए, लेकिन वो अपनी मम्मा यानी कि अक्षरा को फुटबॉल मैच जीत कर आने की गुड विशेस जरूर देते नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि जहां पर अभिमन्यु जो है जब तक अभी ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वो इनका मेंशन में रुकने की ही परमिशन लेते नजर आने वाले हैं बड़े पापा से, लेकिन ये सबको मंजूर होगा सिर्फ मुस्कान के, क्योंकि मुस्कान को हर पल सिर्फ यही लग रहा है कि अभिमन्यु अभिनव की जगह लेना चाहते हैं। कुछ ही दिन हुए हैं अभिनव को गए हुए, लेकिन अभिमन्यु इतनी जल्दी अक्षरा की लाइफ में वापस आना चाहते हैं कि अक्षरा भी अभिमन्यु को अभिनव की जगह देना चाहती है, वो भी इतनी जल्द। तो इसी वजह से अब अभिमन्यु को मुस्कान का एक बार फिर से गुस्सा झेलना पड़ेगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उस मोमेंट पर ऐसा क्या करेंगे अभिमन्यु या अक्षरा, ऐसा क्या जवाब देंगे जिससे कि या तो मुस्कान को रियलाइज हो जाएगा कि वो गलत है या फिर वो और ज्यादा अभिमन्यु और अक्षरा पर इल्जाम लगाने लगेंगे। जानने के लिए साथ के शरीर रिश्ते क्या कहलाता है लगातार देखते रहिए, स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चल रहे हैं, बाय बाय एवरीवन।